नमस्कार। राजसमंद में राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन, दी आंदोलन की चेतावनी। राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड की राजसमंद जिला शाखा के सदस्यों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम राजसमंद कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन सौंपा और 11 सूत्री मांगे पूरी करने की मांग उठाई। ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष दिनेश माली ने बताया कि माली समाज आरक्षण के लिए लंबे समय से संघर्षरत हैं। समाज ने भरतपुर व जयपुर में बड़े आंदोलन भी किए, लेकिन सरकार ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई और आंदोलनकारियों पर केस दर्ज कर दिए। 20 जुलाई को 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में समाज की ओर से ज्ञापन दिए गए, फिर भी समाज के हाथ साथ सुनवाई नहीं होने पर निराशा लगी है। अब मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दोबारा मांग पत्र सौंपा गया है। अगर उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती है तो 10 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड अध्यक्ष दिनेश माली, सैनी युवा महासभा जिला कार्यकारी अध्यक्ष शंभुलाल गहलोत, जिला महामंत्री अशोक माली, ब्रिगेड पदाधिकारी आशीष सैनी, मुकेश माली, हर्षवर्धन शेखर माली, सुनील माली, रविराज माली, देवीलाल माली, गणेश माली व नाथू माली आदि मौजूद थे। अब देखिए ब्रिगेड के अध्यक्ष इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं। आज हमने राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड अध्यक्ष श्रीमान चंद्रप्रकाश जी सैनी साहब के निर्देशन में हमारी जो 11 सूत्रीय मांगे हैं उनको लेकर आज जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और जल्दी ही यदि इन 11 सूत्रीय मांगों पर विचार विमर्श नहीं किया गया तो आने वाली 10 अगस्त को हम CM आवास का घेराव कर उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मांगे हैं 12% आरक्षण की मांगे हैं और भवन बनाने की मांग है, ज्योतिबा फूले के नाम से भवन बनाने की मांग है। साथ ही साथ जो मुकदमे उदयपुर वाटी में किए गए हैं उनको वापस लेने की मांग है। इसी तरीके से 11 सूत्रीय मांगे हैं जिन पर आज हमने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। कुंवरिया में दिन दहाड़े चेन स्नैकिंग की वारदात। राजसमंद जिले के कुंवरिया कस्बे में माहेश्वरी समाज भवन के पास दोपहर में बाइक पर सवार आए दो बदमाशों ने राहगीर वृद्ध महिला के गले से चेन छीन कर बदमाश फरार हो गए। महिला के चिल्लाने पर बदमाश वहां से भाग छूटे। वारदात के दौरान वृद्धा के गले में खरोंच भी आई और वह नीचे गिरने से घुटनों में भी चोटें आई हैं। बताया कि लादी देवी सिरोहिया बाजार से सामान लेकर अपने घर लौट रही थी, तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने मौका देखकर करीब 2.5 तोला सोने की चेन खींचकर फरार हो गए। वृद्ध महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और जिसे देखकर बदमाश वहां से भाग गए। एक युवक ने बाइक से बदमाशों का पीछा भी किया लेकिन वह फरार हो गए, उनका पता नहीं चल पाया। पीड़िता की सूचना पर कुंवरिया थाना पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और आरोपी की तलाश शुरू किए हैं, लेकिन अभी तक आरोपी के बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं लग पाया है। अब देखिए घटनास्थल पर मौजूद पीड़ित महिला व अन्य लोग क्या कुछ कहते हैं। हाँ। हाँ। एक कारों ने एक बाटी को छोरो है बेटा खुद ही भागो एक किलो में चेन ले गया 2.5 तोला की सोना की गली के बांधे वैसे क्या गली के बांधे कौन आया दो छोरा हाँ बाइक पे पल्सर गाड़ी ही अरे वाला को पीछे की तो गाड़ी में तो पीछे की तो कोई डाल दादा नहीं होगा पता की बस कौन था ना ये बाजार कतरी जी बाइक पे आया दो जन ये भी बाजार में ये काम का हिसाब उठिया लगा जो उन्हें पूरी निगरानी राख रहे रात में मोटरसाइकिल सवार दो छोरा है घोड़ोलाई गुड़ी के पास में और हनुमान जी जो स्थान है एक आस पास में गला में जबटो मारन चेन तोड़ ली थी और दे धक्को और चेन तोड़ ली थी भागे चेन तोड़ और भागे 4 बजे मंदिर मार्ग से होते हुए और आगे हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। आमेट में 6 दिवसीय बुनियादी साक्षरता शिविर। आमेट तहसील क्षेत्र में कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों का बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान द्वितीय दिवस पर इस वंदना द्वारा शुभारंभ हुआ। इस शिविर के माध्यम से सभी शिक्षकों को संख्या ज्ञान
FLN प्रशिक्षण दिया गया। बताया कि प्रेरणास्पद कहानी, रोचक प्रेरक प्रसंग छोटूलाल जिनकर द्वारा प्रस्तुत किए गए, तेजस्वी द्वारा कल की दैनिक गतिविधि का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, साथ ही दक्ष प्रशिक्षक रामकिशोर यादव व रघुवीर सिंह सक्तावत द्वारा बुनियादी साक्षरता के घटक में मौखिक भाषा विकास, ध्वनि जागरूकता, डिकोडिंग, शब्द भंडार, समझ कर पढ़ना और छपी लिखी सामग्री के प्रति जागरूकता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। एक कृषि केंद्र, कृषि विभाग के दल द्वारा जो निरीक्षण किया गया, उस निरीक्षण के दौरान कुछ जो बातें सामने आई थी और उसमें मुख्य रूप से आज दूसरा पक्ष हमारे सामने आया है। हमारे साथ में जो मेन दुकानदार हैं वही हमारे साथ में हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला था। रतनलाल अहिर, मेरे श्री कृष्णा बीज भंडार के नाम से फर्म है। दिनांक 18 को मेरे घर पर कोई मेहमान थे, मेरी दुकान बंद थी। विभाग से फ़ोन आया कि आपकी दुकान पर मेरे इंस्पेक्टर खड़े हैं और आपका है जो खिलाफ़ कोई है जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि आप है जो माल टैगिंग कर रहे हैं और ज़्यादा पैसे, इस तरह की कोई शिकायत आई है। मैं दुकान पहुंचा, मेरे सामने इंस्पेक्टर मेरी दुकान का निरीक्षण किया, मेरी दुकान में किसी तरह का टैगिंग का सामान नहीं पाया गया। मेरा भौतिक सत्यापन और पोस्ट मशीन के द्वारा खाद बेचा जाता है जो स्टॉक में और पोस्ट मशीन में बराबर पाया था, इस तरह की मेरे खिलाफ निराधार से जो एक खबर चली उसके लिए मुझे बड़ा दुख है कि इस तरह मेरे खिलाफ शिकायत चली। जांच में क्या रहा, क्या आपको? विभाग का काम है समय समय पर निरीक्षण करना, अगर मौके पे कोई कमियां पाई जाती तो उसको दुरुस्त किया जाना। तो हो सकता है मौके पे आए हमारे है जो कोई स्टॉक मेंटेन नहीं कर पाए या इस तरह की छोटी मोटी करके हो कमियां मिल सकती है, क्योंकि खाद एक ऐसी अभी वर्तमान समय में खाद की एक ऐसी स्थिति है तुरंत आधार तुरंत बिकता है, उस परिस्थिति में हम हो सकता है हमारा स्टॉक मेंटेन नहीं कर पाए या किस तरह कोई कमी रही हो। विभाग ने मुझे 7 दिन का समय दिया था, मैं मेरी कमियों को पेश करके विभाग के सामने पेश कर दी, पर इस तरह के मेरे खिलाफ निराधार खबर चली वो सरासर गलत थी। फिर विभाग द्वारा जो जांच की गई और 7 दिन का जो टाइम मिला उसमें फिर कोई ऐसे तथ्य नहीं पाए गए, जो शिकायत में जो आरोप लगाए वो गलत थे कुल मिला के? शिकायत में जो आरोप लगाए थे वो गलत थे, पर ठीक है जहाँ हो सकता है कि जो स्टॉक मेंटेन नहीं कर पाना ये भली छोटी मोटी कमियाँ रह सकती है। मेरे खिलाफ हो सकता है, मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है राजनीतिक शिकायत की गई है, पर राजनीतिक शिकायत का इस तरह से जो किसी खिलाफ दुरुपयोग नहीं किया जाए मेरा यही निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रतनलाल जी, आप जुड़े रहे जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।